साजन चले ससुराल में जो गोविंदा की दो बीवियां थी, क्या नाम था हीरोइनों का? लाइफ हैज बीन मूविंग लेटली। ऐसे बैठ के खाने का मजा अलग है। कह रही है चेन का लॉकेट गिर गया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबको? राधे राधे। कल तो मजा आ गया भाई साहब। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि जसलीन से, कि जसलीन मुझे पहचानेगी नहीं, क्योंकि अक्सर जिस बंदे को हम रोज देखते हैं, मतलब यार 2400 घंटे देखते हैं, उसको तो यार पहचान लेते हैं। अब शाहरुख खान खड़ा है, शाहरुख खान अगर बैक भी करके खड़ा है तो हम मतलब पूरे पोस्टर से पहचान लेते हैं, भाई ये शाहरुख खान खड़ा है भैया, चाहे कितनी बड़ी भीड़ हो पता चल जाता है ना। और बताओ ये पहचान नहीं भाई? इतना बड़ी तुम्हारे भाई ने मेकओवर इतना बढ़िया किया था यार, थप्पड़ मारा ना एलबीओ नेगेटिविटी। जब देखो हर बार में बोली पहचान लेगी। एक सेकेंड, जब तूने मेरे को बोला क्या बोलते हैं कि भाई आप मुझे 500 रुपए दोगे जब अगर आप मैं जीत गई, मेरे 500 रुपए कहाँ है? तो अब कुछ ही दिन बचे हैं हमारे इधर, ये वाला एक्टिविटी एरिया था हमारा, ये वाला एक्टिविटी एरिया मतलब ये बच्चों का एक्टिविटी एरिया था, और ये हमारा प्ले एरिया था, मतलब यहाँ पे हम क्रिकेट विकेट खेलते थे। कम ही खेला है मैंने बहुत, पर यहाँ क्रिकेट विकेट खेलते थे। और वहाँ पे मेरा जिम है, वो जो आप छोटा सा इधर से दिखाता हूँ, और वो जो देख रहे हो ये नीचे वाला, ये पूरा मेरा जिम है यहाँ से वहाँ तक। और यही मैंने 2-3 महीने मेहनत करके अपनी बॉडी कसरत करके बनाई थी। टाइम टू से अलविदा टू द जिम एंड एवरीथिंग। जिम को तो मैंने कम से कम 2-3 हफ्ते पहले ही अलविदा बोल दिया है। अब वहां जाके कोई जिम मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, घर के आसपास जो हो, और जहां मैं रोज सुबह सुबह जाऊँ जिम में, है ना, सुबह सुबह जाऊंगा, क्योंकि यार पूरा दिन की एक्टिविटीज मेरे को प्लान करनी है, तो जिम का जो पार्ट है वो सुबह सुबह अपना निपटा के फिर अपना पूरा दिन फ्री। क्योंकि अगर शाम को जिम चालू कर दो फिर प्रॉब्लम पता क्या होती है कि तुम्हें पता है कि यार अभी भी जिम जाना है, अभी जिम जाना रह गया, फिर शाम को जिम जाने में बड़ी मौत आती है यार। जब कहीं तुम ट्रैवल करने चले गए, ट्रैवल से आके जिम में, भैया बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए सुबह सुबह जिम जाके फटाफट से एक्टिविटी स्टार्ट। फटेगा तो नहीं? धन्यवाद। तो पैकिंग का सामान आ गया है, ये हमारे बैठने का सामान, तो बैठने वाला तो आपने पहले कर दिया, हम अपने तशरीफे कहाँ टिकाएंगे, खड़े रहो पूरे दिन। देर पहले तक सब कितना सेटल लग रहा था, और अब देखो सब इधर उधर हो गया। शिफ्टिंग भैया ऐसी होती है। Life has been moving lately. We have been moving out of places. और शिफ्टिंग शुरू हो गई, मतलब कहीं से जब आप कोई जर्नी एंड करते हो तो एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, तो वैसा ही कुछ समझिए। बैठ जा, बैठने का टाइम नहीं है, खड़े हो, काम पे लग फटाफट। वैसे अब ये है कि प्रिया यहाँ से जाएगी फिर नहीं बैठेगी, दफा तब यहाँ तो बहुत बैठ ली घर ही घर में, अब वहाँ नहीं टिकेगी बिल्कुल भी, उड़ता परिंदा। ये वाला मार्बल का है ध्यान से, ये देख मार्बल वाली चीज होगी, कैसे डबल वो हो जाएगी टेपिंग, इसके ऊपर फिर बबल लग जाएगा, ये रहा मार्बल, इसका उतार है इसको नंगा करके, इसके ऊपर का जो टॉप है वो उतार दिया। चार्जर कुछ संभाल के रखो, ये फट करके डाल देंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। बस सुपर फास्ट स्पीड से काम हो रहा है, इतनी जल्दी तो मुझे नींद नहीं आती जितनी जल्दी आपने बेड उठा दिया। मैं कह रहा हूँ डैडी को अब चैन आया, डैडी का चार्जर मिल गया। अलमारी का सामान किस में डाला है उसमें? वो बाकी बॉक्स है, ये ब्लैक वाली अलमारी है, सामान खुला है तो नहीं, नहीं ये मैंने लाके रखा है। अच्छा, और ये वाला जो बैग है ना इसमें सारे नट्स है, जितने भी बोर्ड आप इसी में डालते हैं, हां सब इसमें रखते जाओ। एसी वाला बुलाया नहीं, मैं उन्हें आएगा बुलाओ ना फिर, ये सब एसी पिरामल की देन है। थोड़ी देर है बस बैठने के लिए, समझो कुछ मिनट, उसके बाद इन्होंने जैसे वो पैक कर दिया है। वो तो फिर मैं फिक्स कर लूंगा ना, जो लोग कहते हैं आईकिया वाला मामला स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये देख लो ये भैया चढ़ा हुआ इधर, नहीं तो होता ही है, वो तो है सर, इधर मेरी सांसें थमी हुई हैं। स्ट्रॉन्ग होंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं सर, पढ़ाई है ना, अरे सामान है तो।
पहले तो बताओ, लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा? पप्पी ले रही है अभी, मम्मी ने ताजी ताजी चेन मुझे ला के दी है। और मैं ही कह रहा हूँ, पर्दों पे हमने बहुत पैसा लगाया था इधर, क्योंकि इधर की जो हाइट है सीलिंग की काफी ऊंची थी। अब जो घर लिया है वहाँ की हाइट इतनी नहीं है, तो जे पर्दे ना लगेंगे उधर। आंटी जी फिर दिन तक का खाना वाना बना रहे हो फिर आप, क्योंकि अब ये गैस गूस तो बंद कर देंगे? हाँ, पूरे दिन का, क्योंकि फिर दोबारा गैस नहीं चलानी पड़ेगी और फिर लोग गैस को पैक कर देंगे। पैक कर देंगे तो फिर खाना कैसे खाओगे? बाहर जाके खाओगे? नहीं, बाहर का खाना नहीं खाना, घर का ही खाना। इसलिए घर का सुबह एक ही बार बना कर रखती हूं। गोयल साहब, अरे पापा ने देखा था भाई, गोयल साहब हमारे साथ जा नहीं रहे, तो ये अपनी शिफ्टिंग अलग कर रहे हैं। ये एक महीने बाद आएंगे। मैं कह रहा हूँ हमारे फादर साहब की शिफ्टिंग अलग चल रही है, वो अपना अलग सामान इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि वो एक महीने बाद आएंगे। सुबह सुबह नुकसान की बातें मत किया कर, कह रही है चेन का लॉकेट गिर गया, अब यहाँ ढूंढो। अरे अभी मेरे को आवाज आई थी यार, मेरे को लगा था कुछ गिरा है। अरे तुम्हारा भाई किससे कम है, स्पाई हूँ मैं, स्पाई समझी, इसकी तरह थोड़ी हूँ, अपने कान नाक खुले रखता हूँ, आंखें सब। कोई याद नहीं रहेगी, जोड़ी चप्पल है, कुछ पैर हैं जो बाहर गए हैं और जो भी अंदर आएंगे तो उसको मिला के पूरे मोहल्ले के जूते चप्पल हैं। हमारी प्रिया थोड़ी देर व्लॉगिंग करके दिखाएगी, चल क्या हो रहा है, चल बता एक्टिविटी, जल्दी बता एक्टिविटी क्या हो रही है, उधर देख के बोल। क्या मम्मी, अब मेरे को एक पहले अगर बचपन में ये पता होता ना कि गुस्से का है क्या, मोबाइल खोल के स्क्रीन दिखा दो मुंह पे, फिर आदमी औरत सब गुस्सा भूल जाते हैं। तो अभी इतने चाटे जो पड़े हैं मुझे बचपन में, जो थापियां पड़ी हैं वो नहीं पड़ी होती। अरे मम्मी अपने आप कैसे पैक करेंगे? डैडी आप अकेले कैसे रहोगे यार? आप कैसे रहोगे? डैडी तो सोच रहे कद फ्री करे, मना ये कद फ्री करे ये लोग, मना गाड़ी तो नहीं रही, गाड़ी के अंश है। सिर्फ ऐसा हुआ है कि डैडी अकेले आ रहे हैं, डैडी के चेहरे पे अलग ही नूर चला है। हमारे जाने की चमक है, इनके यहाँ रहने की चमक है। बताओ भाई, क्या चीज? अरे ये फिटिंग करवाएंगे नहीं, वो इसके पहियों पे रखेंगे, इसको पैरों पे। आप जब तक आओगे 85 इंच का टीवी तैयार पाओगे लगा। थिएटर बनाऊंगा डैडी उसको, गोविंदा की पिक्चर, गोविंदा की पिक्चर लगाएंगे, गोविंदा की वो पिक्चर लगाएंगे, बीवी नंबर वन। बीवी नंबर वन तो उसकी थी नहीं एक्चुअली, वो सलमान खान की थी। बता बता, चल बता दे। नाम सही बोल गई, मुझे लगा बोलेगी सुष्मिता। क्या चल बीवी नंबर वन में कौन सी हीरोइन थी? दो, चल वो छोड़। साजन, अरे इसने बोला था, चल ये बता, साजन साजन चले ससुराल में गोविंदा की दो बीवियों का नाम क्या था? बस चल हो गया, वाली, बस बस हो गया। मम्मी साजन चले ससुराल मूवी में सुनो तो, वो गोविंदा वाली मूवी यार, उसमें दो बीवियां थी ना उसकी, क्या नाम था? अरे नहीं डैडी आप बताओ, साजन चले ससुराल में मुझे उसकी दो बीवियां थी गोविंदा की, क्या नाम था हीरोइन का? जल्दी बताओ डैडी, करिश्मा बताओ भैया बताओ, साजन चले ससुराल में जो गोविंदा की दो बीवियां थी, क्या नाम था हीरोइनों का? अरे गलत हो गया, तुम बताओ भैया। चलो भैया, एक थी करिश्मा कपूर और एक थी तब्बू, तब्बू डैडी, सुष्मिता सेन थी, तब्बू थी। हाँ वो साउथ की हीरोइन है, क्या नाम है? वो मुझे शक्ल याद है, मुझे भी शक्ल याद है। डैडी आपके बोलो,
क्या बोलो आप? अरे जिसमें वो वाला गाना चलता है, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जा, ये मुझे अक्सर कहती रहती है यही वाली बात। मैंने क्या धोखा किया भाई तेरे साथ, ओ लड़की क्या धोखा किया मैंने? तो फिर ये क्यों कहती रहती है तुम तो धोखेबाज हो वादा करके? हमने तो कभी नहीं सुना। रोज 12 से 13 मिनट की व्लॉग देखने आ जाओ, दिखा दूंगा। तो हम लोगों ने, तो पापा बता रहे हैं कि गुवाहाटी में जो है, जब हम गुवाहाटी रहते थे, गुवाहाटी शाम कितने बजे आती है पापा? रात का अंधेरा 5:30 बजे, 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है। और अपने सो कितने बजे जाते थे? 9:30 बजे हम सो जाते थे। दिल्ली में जब शुरू में रहते थे तब हमारा स्लीपिंग टाइम था 11:30, और जब से भी आप बॉम्बे आए तब कितने बजे सो रहे हैं? 12-1 बजे मिनिमम हम लोग सोते हैं, कभी कभी 1:30-2 भी बज जाता है। वो भी जबरदस्ती, हाँ। सो जाओ। हाँ, तो हर जगह का अपना एक टाइम फ्रेम है, हर जगह का अपना एक लाइफ स्टाइल है। पापा और दिल्ली में एक बड़ा टीवी ले लेंगे, 85,000। जैसे ही कोई खर्चे की बात कर दो पापा का फेस देखो, पापा के बोलो ले लेंगे फिर। यार तू है ये, अपना खुद 85 की प्लानिंग करके बैठी है। अब जो हमारे बैठने का एक सामान है जिस पे हमारी तशरीफें टिकी हैं वो भी खुल रहा है भाई। मैं कह रहा हूँ एक लड़की और आई जगह करने के लिए, वैसी बैठने की जगह कम है, सोती रहती थोड़ी देर। और अगर लकड़ हमें वहाँ दिखे ऐसे और बोले कि इसके ऊपर डाइनिंग टेबल बनाऊंगा, आप साफ मना कर देंगे। ये डाइनिंग टेबल था, हाँ, ये डाइनिंग टेबल की पूरी तशरीफ है इसके ऊपर। हाँ। चाय जगों में भर के आ रही है, इतनी चाय कैसे पी लेती है तू? में भी कह रही ये भी कम है। हाँ। पत्तल उड़ेंगे ये रख दो। एक डिस्पोजल भारी करने के लिए दो कट्ठे रखे थे। अरे तो उसमें मिट्टी है, पहला वाला गंदा ही होता है, मिट्टी आ जाती है। पहले वाला तो फिर ये है। कुछ नहीं बोलते बेचारे, शांति से खा लेते हैं जैसे। तो ऐसे बैठ के खाने का मजा अलग है, ऐसे अलग स्वाद आ जाता है सब्जियों में। तो भैया लोग भी थक गए, खाना खाने लगे हैं, और हम लोग भी बस अब खाना खा के पैकिंग ऑलमोस्ट देखो कितनी हो चुकी है, सब कुछ पैक हो गया, सब कुछ खाली हो गया, सब जूतों की जोड़ी रह गई, बाकी सब पैक्ड है। तो हम लोग भी बहुत थक गए, और पैकिंग अगर थोड़ी देर तक कंप्लीट हो जाती है तो हम रात की फ्लाइट पकड़ के निकलेंगे दिल्ली। तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए राधे राधे।